और भोपाल से ही खबर, जहां पर भोपाल में हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक। बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। बैठक में प्रदेश में जिलों के अंदर 15 से 30 जून तक कर्मचारियों अधिकारियों के तबादलों की प्रक्रिया खोलने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा सहकारिता नीति को भी कैबिनेट से अप्रूवल मिला है। ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश देश में पहला राज्य बन गया है। मध्य प्रदेश के 9000 छात्र छात्राओं को सरकार ई स्कूटी देगी। कैबिनेट बैठक में तय हुआ है कि स्कूटी प्रदेश के 12वीं पास उन स्टूडेंट्स को दी जाएगी जिन्होंने अपने स्कूल में टॉप किया है, यानी जो स्कूल टॉपर हैं। इसके अलावा एससी एसटी के लिए छात्रवृत्ति के लिए आय की जो सीमा है वह 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए करने के प्रस्ताव पर भी मुहर लग चुकी है। 29 नई समूह नल जल योजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। तो शिवराज कैबिनेट की बैठक में कुछ अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, जहां पर टॉपर्स को स्कूटी देने का फैसला लिया गया है कैबिनेट बैठक में। वहीं 29 नई नल जल योजना को भी मंजूरी मिली है। वहीं बात किया है तो एससी एसटी के लिए भी जो आय की सीमा है वह 8 लाख बढ़ाकर कर दी गई है। के लिए स्थानांतरण जिले के अंदर का खोलने का मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, हायर सेकेंडरी स्कूलों में प्रथम स्थान पाने वाले छात्र और छात्राएं, भैया बहनों को स्कूटी देने का आज कैबिनेट ने प्रस्ताव पास कर दिया है। 9000 विद्यार्थी माने बेटा बेटी भैया बहन ऐसे हैं जिनको स्कूटी प्रदान की जाएगी। जहां पर ई स्कूटी नहीं होगी वहां पर वैसी नॉर्मल स्कूटी लेने का भी स्वतंत्रता रहेगी, ये उनकी इच्छा पर है। 135 करोड़ रुपया पहली साल में इसमें खर्च होगा, 3 साल के लिए 424 करोड़ रुपए का प्रस्ताव आज कैबिनेट के द्वारा पास किया।